ये है आधुनिक टेक्नोलॉजी का लॉकर है जो फिंगरप्रिंट के साथ और आपका अंगूठा देने से ये खुल जाएगा। फिंगरप्रिंट का लॉकर है जो खुलेगा चाबी से नहीं, फिंगरप्रिंट से खुलेगा। और सबसे बढ़िया चीज है ये वाटरप्रूफ है, मतलब मैं शटर डाउन किया तो बाहर में लगाया तो मेरा बहुत टेंशन आ जाएगा कि बारिश में भीग गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना, 100% ये वाटरप्रूफ है। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक टू टेक एंड वेलकम ईएक्स इंडिया। आज जो प्रोडक्ट एक्सप्लोर करना जा रहे हैं वो है छोटा पैक बड़ा धमाका। क्या है इसमें, दिखा तो जरूर देंगे, देख लीजिए। ये है नया टेक्नोलॉजी का नया लॉकर, खुल लेते हैं। ये सिक्योराई का बना हुआ प्रोडक्ट है, ये है आपका लॉकर, ज्यादा कुछ नहीं है, लॉकर है। इसका वेट भी लगभग 400 ग्राम के आसपास है। तो एक्चुअली गाइज ये है आधुनिक टेक्नोलॉजी का लॉकर है जो फिंगरप्रिंट के साथ और आपका अंगूठा देने से ये खुल जाएगा, मतलब ये घर के लिए, आपका ऑफिस के लिए या एक परिवार जहाँ पे रह रहा है और जहाँ पे क्या होता है लॉकर का की एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है, जो जब हम ऑफिस को खुलते हैं तो चाबी का एक बहुत मायने रखता है क्योंकि भूल जाएंगे तो खुल नहीं पाएंगे या दूसरे के पास चला जाएगा तो बहुत दिक्कत आ जाता है। तो गाइज आज का जो प्रोडक्ट है वो बहुत काम का प्रोडक्ट है और मतलब लेने के लिए का प्रोडक्ट है। क्या है वो है फिंगरप्रिंट का लॉक कार है जो खुलेगा चाबी से नहीं, फिंगरप्रिंट से खुलेगा, मतलब आपका आज से ठान लीजिए ये चीज जरूरत नहीं है। मैं फेल दे रहा हूं ना, नहीं फेंकूंगा, ये हमारा काम का है, मतलब ये जो चीज है लॉक कर दिया, अगर हमारा अंगूठा यहाँ पे पहले से सेव है तब भी ये खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। और ये स्टेनलेस स्टील है 2 साल का वारंटी के साथ और ये है रिचार्जेबल, मतलब आपका फोन का चार्जर से या पावर बैंक से आप चार्ज कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज है ये पोर्टेबल है, मतलब एक बार चार्ज कर लिया तो 1000 टाइम फिंगरप्रिंट इसका गारंटी है, मतलब एक बार फुल चार्ज होगा तो 1000 टाइम इसका चार्ज बैकअप दे देगा। और सबसे बढ़िया चीज है ये वाटरप्रूफ है, मतलब मैं शटर डाउन किया तो बाहर में लगाया तो मेरा बहुत टेंशन आ जाएगा कि बारिश में भीग गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना, 100% ये वाटरप्रूफ है। और इसमें जो है जो बैटरी है वो 140 आवर्स का बैटरी लगा हुआ है और ये ब्लूटूथ है। तो गाइस कोई टेंशन का चीज है नहीं है, एक्चुअली ये फुल्ली सिक्योर है और एक्चुअली सिक्योर है, सिक्योरिटी के लिए बेस्ट है। तो ये डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आपका सिर्फ एक एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है जो शायद आपके पास होगा, और मेरे को जाना है गूगल क्रोम में और वहाँ पे जाके मैं डालूँगा सिक्योर आई स्मार्ट होम ऐप और ये होम ऐप मेरे को लिस्ट दे देगा, सिर्फ वहाँ पे क्लिक करना है और जो ऐप्स मेरा पास आ जाएगा सिर्फ वो डाउनलोड करना है। और ये गूगल पे ही मिलेगा क्योंकि कंपनी सिक्योरिटी मायने रख के प्ले स्टोर में वो ऐप नहीं डलवाया, शायद कुछ वजह हो जाएगा, हो सकता है, तो उसमें हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ऐप्स डाउनलोड होने के लिए इंतज़ार करेंगे। और साथ में ये बात भी बोलना चाहूँगा कि ये ग्रुप में खुलता है, ग्रुप में खुलता है मतलब मेरा घर में चारों फैमिली में चारों मेंबर्स है, तो मैं लॉक करके चला गया तो शायद मेरा मम्मी जी दोपहर को या 2 घंटा बाद आ चुका है, तो मेरे पास चाबी है, वो कैसे खुलेगा कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं मेरा मम्मी जी को मेरा ग्रुप में मेरा ऐप्स में उसको ऐड कर दिया तो मैं ना होते हुए भी ये ताला खुल जाएगा, कैसे, मेरा मामी जी को फिंगरप्रिंट को ऐड है तो मेरा मामी जी फिंगरप्रिंट से ये खुल सकता है।
और सबसे बढ़िया चीज़ है जो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा वो है, अगर मेरा ये जो ऐप्स ऐसे बनाया कि कोई आदमी, मतलब मेरा भैया को मैं इसमें ऐड नहीं किया, और मेरा भैया आ चुका है घर में और मेरे को फ़ोन किया कि उसका पास चाबी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अगर वो ट्राई करेगा तो मेरा ऐप्स में वो ट्राई कितना बार ट्राई कर चुका है या किया है, तब भी मैं कितना टाइम दे के मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, वो भी आपको दिखा रहा हो। तो आपको पूरा देखने के लिए वीडियो में पूरा देखना ज़रूरी है। और एक बात बोलूँगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा सभी आउटलेट में उपलब्ध है, आप चाहे तो क्वांटिटी या सिंगल पीस में ऑर्डर कर सकते हैं और हम लोग पहुँचा देंगे आपका घर में। तो इंस्टॉलेशन हो रहा है, इंस्टॉलेशन हो गया, अभी क्या करना पड़ेगा, अभी मेरा आईडी देके यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे मेल आईडी देना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरा पासवर्ड देना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा स्किप करूँगा क्योंकि मेरा पासवर्ड मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहूँगा और दिखाना ना भी चाहिए क्योंकि ये हमारा पर्सनल मैटर है। तो अभी मैं ऐप्स में जाने के लिए तो गाइज आईडी पासवर्ड देने के बाद फाइनली मैं ऐप्स के अंदर घुस चुका हूँ। तो अभी मेरे को प्लस बटन में प्रेस करना है और यहाँ से जाके मेरे को चूज़ करना है कैमरा एंड लॉक डिवाइस। तो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस अवेलेबल है, तो मेरे को बहुत सारे डिवाइस नहीं चाहिए, मेरे को अभी चाहिए पेड लॉक। तो पेड लॉक जाके इनेबल ब्लूटूथ डिवाइस, और इसको मैं फाइनली एक बार खोल लेता हूँ क्योंकि अभी तक कोई भी फिंगरप्रिंट अभी तक मैं ऐड नहीं किया, अभी नेक्स्ट किया कर रहा हूँ वाइल दिस ऐप। तो वो सर्चिंग कर रहा है, ऐप सर्चिंग कर रहा है, मिल गया। तो वो फाइंड आउट कर रहा है और सक्सेसफुली वो ऐड कर रहा है, ऐप्स ऐड कर रहा है इस डिवाइस को। तो ये डिवाइस भी ऐड हो गया, तो नेक्स्ट किया तो ये ऐड हो गया, तो फाइनली मैं डन कर लिया। अभी मैं टेस्ट करूँगा, कैसे टेस्ट करूँगा। तो गाइज अभी मेरे को प्रोसेस में जाना पड़ेगा, चल लिया, ओ बफरिंग हो रहा है, कर लिया, अभी मेरे को ऐड करना है। तो गाइज स्टार्ट कैप्चरिंग, मैं इंटर हो चुका हूँ। अभी मेरे को पहचाना ज़रूरी पड़ गया कि ये मेरा अंगूठा है। तो उन्होंने दिखा दिया कि ऐड हो गया, तो डन, मैं डन करूँगा। मेरा वन फिंगरप्रिंट ऐड हो गया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो खुले, हाँ खुल गया बस। तो फिर मैं दूसरा अंगूठा को ऐड करूँगा, हो गया, ठीक है, मेरा दोनों अंगूठा यहाँ पे ऐड हो गया। तो मैं अगर इस अंगूठा से कोशिश करूँगा तो वो नहीं खुलेगा, ये नहीं खुलेगा, मेरा इस अंगूठा में नहीं खुलेगा। मैं इस अंगूठा में ट्राई करूँगा, खुल गया। मेरा इस अंगूठा में ट्राई करूँगा, खुल गया। अगर मैं इस अंगूठा से ट्राई करूँगा तो नहीं खुलेगा क्योंकि ये अंगूठा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा घर में पांचों फैमिली में चार या पांच है, अगर चारों या पांचों का जो अंगूठा मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वही अंगूठा से खुलेगा। अभी देख लेते हैं कि मैं इस अंगूठा को मैं ऐड नहीं किया तो मैं कोशिश करूँगा कि वो खुलता है कि नहीं, वो नहीं खुले, खुल रहा है। सिर्फ यहाँ पर देखना है उस डिवाइस,
तो देख लीजिए इतना सुंदर है, मैं कितना बार रॉन्ग फिंगरप्रिंट डाला है वो भी यहाँ पे देख दे दिया, वो भी डेट के साथ टाइम के साथ, मतलब 3:31 में मैंने रॉन्ग फिंगरप्रिंट डलवाया, 3:30 में मैं रॉन्ग फिंगरप्रिंट डलवाया। अगर जितना बार मैं रॉन्ग फिंगरप्रिंट डालूंगा तो यहाँ पे ओ आ जाएगा रॉन्ग फिंगरप्रिंट, देख लीजिए 3:31 या लास्ट में 3:30। अगर इस अंगूठा में ट्राई करूंगा वो खुल जाएगा। अगर राइट फिंगरप्रिंट यहाँ पे जो एडेड है वो अगर खुलेंगे तो उसका रॉन्ग फिंगरप्रिंट नहीं है, वो आपको नहीं दिखाई देगा। मतलब मेरा अनुपस्थित में अगर कोई आदमी आकर ये खुलने के लिए कोशिश करेगा तो हमारा पास उसका जानकारी आ जाएगा, कोई कौन खुल रहा है उसका जानकारी नहीं, लेकिन कोई रॉन्ग फिंगरप्रिंट ट्राई कर रहा है वो जानकारी आ जाएगा। ये सबसे बड़ा चीज़ है और ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। शायद मैं आज तक मैंने टीवी में या कोई सिनेमा में देख चुका हूँ, लेकिन अभी वो चीज़ मेरा हाथ में है। तो गाइज एक ही बात बोलूँगा कि ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों को अगर चाहिए तो सिर्फ हम लोगों को कॉल करना होगा या कॉन्टैक्ट करना होगा, और जितना क्वांटिटी में चाहिए हम लोग दे सकेंगे, और वो भी 2 साल का वारंटी। ऐसा नहीं है कि कल ख़राब हो गया कि मैं फेंक दूंगा, ऐसा नहीं है, 2 साल का वारंटी। और इंडिया में 18 जगह में हमारा सर्विस सेंटर है, मतलब सिक्योराई का सर्विस सेंटर है। तो गाइस एक ही चीज़ बोलूँगा, इस दुनिया में इंजॉय करना है, टेक्नोलॉजी का मज़ा लेना है, और एक्सचेंज करना है, अपग्रेड रहना है। थैंक यू वेरी मच।